उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारतीय मजदूर संघ के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर अयोध्या जिला इकाई द्वारा प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अयोध्या जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में योगाचार्य डॉक्टर चैतन्य जी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने मंचासीन समस्त वक्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के ऐतिहासिक संघर्ष को स्मरण करते हुए भविष्य की रणनीति पर विस्तृत विचार रखे। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने इस सुर में भारतीय मजदूर संघ को सशक्त बनाने पर बल दिया। मजदूर संघ का स्थापना दिवस है 55 को, इसकी स्थापना की थी दत्तोपन ठेंगड़ी, उधर वो फोटो लगा है, वो इसके संस्थापक थे, संगठन मंत्री, और उन्होंने शून्य से शुरू करके मरने के पहले नंबर वन का संस्थान इसको बनाया, संगठन बनाया। आज बोलबाला है इसका, इसने कम्युनिस्टों को सबको बाहर किया, कम्युनिस्ट बंगाल से ही बाहर हो गए और सब वो देश के हित में काम नहीं करते थे, ये संगठन उन्होंने बनाया कि हम देश के हित में ही काम करेंगे, देश खिलाफ़ काम नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग भी सब संबंधित हैं। मजदूर संघ की स्थापना दिवस है आज 23 जुलाई को, में ये सारे पदाधिकारी सम्मिलित हुए हैं। नाम बताइए भाई। अभी एक टॉपिक दिया था इन्होंने स्वस्थ रहने के लिए, उस पर मैंने एक भाषण किया, तो सब स्वस्थ रहें तभी कुछ काम कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां बताई कि इनको 11 बजे आना है, अभी 12 बजे तक आते हैं, ये सब बीमार हैं। क्या जी अपना डॉक्टर चैतन मेरा नाम है। भारतीय मजदूर संघ जो कि विश्व का सबसे बड़ा, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा श्रम संगठन है और इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में एकमात्र भारतीय मजदूर संगठन है जो पंजीकृत है, आज उसका 68वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है। पूरे देश में इससे संबद्ध सभी संगठन और स्वयं भारतीय मजदूर संघ का सभी संगठन बहुत जोश खरोश से, बहुत ही भव्य तरीके से इस आयोजन को कर रहे हैं, 68वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे सद्य दंतोपन ठेंगड़ी जी ने 1955 में जब भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी तो उनका एक ही विचार था कि ये संगठन गैर राजनीतिक होगा और पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण और उद्योग के निर्माण के साथ साथ श्रमिकों के हितों को लेकर ही आजीवन लड़ता रहेगा। और उसी क्रम में आज भी तमाम संगठनों के उपस्थित होने के बावजूद भारतीय मजदूर संघ अपने उसी रीति नीति पर डटकर काम कर रहा है और चल रहा है। हम सुजीत कुमार पांडे, भारतीय मजदूर संघ संबद्ध उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के शाखा मंत्री हैं। आज देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।